हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्लावर जिसे बनाना बहुत आसान है। और ये लिया है मैंने नेट का कपड़ा, आप चाहे तो एक रिबन भी आता है, फ्लावर बनाने वाला रिबन भी आता है मार्केट में, आप वो भी ला सकते हैं। मेरे पास ये नेट की बाजू है, जो एक कुर्ती है पुरानी, तो उस नेट की बाजू से वो मैंने कट कर लिया है। इसको खोल लेंगे बाजू को, ये देख सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट कर देंगे। क्योंकि हम कोई भी फैब्रिक से बना सकते हैं, लेकिन उससे फिर इतनी अच्छी फ्लावर बन के नहीं आएगा, क्योंकि वह सुंदर भी नहीं दिखेगा। ये फ्लावर नेट के कपड़े में ही सुंदर दिखता है। और नेट भी आपको इस तरह का नेट लेना है जो आप देख रहे हैं, जैसे कुछ नेट डिजाइन में आते हैं उसे नहीं लेना है। तो इसकी लंबाई मैं 5 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच ले रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब इसको इस तरह से कट कर देंगे। तो ये सारे पीसेस कट के तैयार हो गए हैं, हमें 10 पीसेस कट करने हैं। तो ये टोटल हमारे 10 पीस हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी की फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक कैंडल, आप चाहें तो इसे लाइटर से भी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो कैंडल से हमें किस प्रकार फिनिशिंग कर देनी है इसको, ये आप देख सकते हैं। हमें इस तरह से ये पूरे पीसेज को इस तरह कैंडल से फिनिशिंग करेंगे, क्योंकि जो रिबन आता है उसमें इस तरह की करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे आता है, उसके बस पीसेज कट करो और उसको बनाओ सिंपली। लेकिन मैं ये नेट का कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें अब नहीं तो ये खुल जाएगा, इस तो अब ये खुलेगा नहीं, इस तरह से इसकी फिनिशिंग कर देंगे तो फिर ये खुलता नहीं है और सुंदर भी दिखता है। तो ये देख सकते हैं आप, इसी तरह मैं ये सारे पीसेस की फिनिशिंग कर लूँगी। इसके बिल्कुल पास करना है, इसको टच नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाता है नेट। इसके थोड़े से पास करने से ही इसकी फिनिशिंग आ जाती है, क्योंकि पास ज़्यादा इसको टच कर देंगे तो ये जल जाएगा। तो हमें बिल्कुल इसके पास पास से करना है इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सभी पीसेस की मैंने फिनिशिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसको एक बार और मोड़ना है, यानी इसको डबल करना है इस तरह से। और कोई भी एक कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसकी स्टिचिंग। तो मैं इस कोने से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे हम हाथ से सिलाई करते हैं उसी तरह से इसको करना है, और इसके बिल्कुल सेंटर में लाना है, और सेंटर में इसमें ला के सुई को हम इसमें अब एक मोती डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं, तो ये मैंने वाइट कलर का इसमें मोती डाल दिया है। अब हम धागे को खींच लेंगे। फिर उसी एकदम सीधी लाइन में हमें उसके ऊपर भी हमें सीधे इसी तरह से स्टिच करते हुए चलना है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमें स्टिच करना है। ये सीधा करने के बाद देख सकते हैं आप, ये अच्छे से दिखाई दे रहा है इसमें। इस तरह से आपको स्टिच करना है सभी पीसीज को। मैंने
एक ही धागे में सभी पीसेस को इस तरह से स्टिच करते हुए डाल लिया है और इनको हाथ से इस तरह से सरकाना है, सभी को बिल्कुल पास पास कर देना है। हमें इस तरह से करना है ताकि हमारे मोती अच्छे से दिखें। तो सभी को इस तरह से हम सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद हम इस साइड से जो हमने नोट्स लगाई थी उसको पकड़ के हम यहाँ पे दोनों धागों को मिला के इस तरह से हम एक नोट्स लगाएंगे। और फ्रेंड्स, नोट्स हमें ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, बस इसको हल्के हाथ से खींचना है। बीच में इसका गैप होना चाहिए, एकदम टाइट खींच देंगे तो फिर फ्लोवर अच्छे से बन के नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने हल्के हाथ से खींचा, ज़्यादा टाइट नहीं खींचा है। और एक नोट्स लगा देंगे, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम एक और लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। अब हमें क्या करना है, इसको सभी पत्तियों को ऐसे खो के और नीचे रख के और जो ऊपर की साइड हैं इनको हम सुई से इनको सिलाई कर देंगे। मैं ये एक ही फ्लावर बना के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो कितने भी फ्लावर बना सकते हैं और कोई भी रंग का फ्लावर बना सकते हैं, ये आप अपनी पसंद के ऊपर है। और इस तरह के फ्लावर फ्रेंड्स आप किसी भी, जैसे आपका कोई भी प्लेन दुपट्टा है तो उस पर भी लगा सकते हैं बना के, और वो दुपट्टा भी हमारा बहुत हैवी बन जाता है और सुंदर भी बहुत लगेगा और उसमें एक नया लुक भी आ जाता है। या आप जैसे कोई भी प्लेन जैसे हेयर बैंड होता है उसके ऊपर भी आप एक फ्लावर लगा सकते हैं, जिससे हेयर बैंड भी बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरह से हम इस फ्लावर को बहुत सी जगह पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये घर पे ही आसानी से इसको बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ये तुरंत बन जाता है बस। तो इसको अच्छे से हम पक्का कर देंगे बीच से। तो ये देख सकते हैं ये फ्लावर हमारा बन के कितना सुंदर आया है। और यहाँ बीच में ये मेरे पास एक बटन है और यहाँ पे मैं इसमें ये बटन अटैच कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बटन को किस तरह से अटैच करना है। ये देख सकते हैं बटन लगने के बाद ये फ्लावर कितना सुंदर बन गया है। और अगर इसे आप जैसे दुपट्टे में लगाना चाहें तो वहाँ भी लगा सकते हैं, दुपट्टा बहुत खूबसूरत लगता है और एक नया लुक देगा दुपट्टा भी। या कोई भी अपनी कुर्ती पे भी अटैच कर सकते हैं इसे आप। अगर फ्रेंड्स हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हम एक फ्लावर बना के रेडी कर सकते हैं और इसी तरह से हम बहुत सारे फ्लावर भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।